अब तक जम्मू कश्मीर में बंपर वोटिंग हुई है। अब तक करीब 51% वोट डाले गए हैं। जम्मू कश्मीर में सुबह से ही वोटरों की लंबी लंबी कतारें लगी हैं। सर, इलेक्शन चल रहे हैं कश्मीर में, क्या देख रहे हैं आप? और दूसरी तरफ कांग्रेस ने जो कहा है कि अगर वो आ गई है, जो पाकिस्तान की टीम पे जो बताया जा रहा था, वो कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट आ गई तो 370 वापस ले आएंगे। जी घंटा नहीं, वो कांग्रेस वाले झूठ बक रहे हैं। इलेक्शन मैनिफेस्टो उन्होंने जारी किया है, उसमें उन्होंने 370 का कहीं जिक्र नहीं है। और अगर वहाँ पे 50% 60% से ज्यादा वोट डाल जाते हैं, इसका मतलब यह है कि कश्मीरी उनके साथ रहना चाह रहे हैं। जाहिर बात है, अगर उन्हें वोट डाल रहे हैं। अब तक किश्तवाड़ में सबसे ज्यादा 70% वोटिंग हुई है। 30 सालों के बाद आपने पहली बार वोट। हाँ, यही कश्मीर के चुनाव की असली हकीकत है कि लोग घरों में बैठते थे, लोग चुनाव के लिए बाहर नहीं आते थे। आज शायद यही बदलते कश्मीर की तस्वीर है। 1-2 दिन पहले उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कश्मीर का विजिट किया और वहाँ पे एक बहुत ही बड़ी रैली निकाली। वो गाली देने में जुटे हैं। LOC और सीमा से सटे अनेक गांवों को पाकिस्तान की नापाक हरकतों के चलते दिक्कत हो रही है, इसका मुझे पूरा एहसास है। हमने ये चूड़ियां नहीं पहनी हुई, ठीक है ना? तो ये चूड़ी नहीं है, ये क्या कड़ा है ये? अच्छा अच्छा। तो हम जो ये हाथ उड़ गया ना, ईंट के साथ ईंट बजा देंगे हम। किसकी? ये इंडिया वालों की। अब वो जो जहाद वाला जो सीन था, मोदी साहब कह रहे हैं हमने कश्मीर से ना दहशत गर्दी का ऑलमोस्ट खात्मा कर दिया है, अब यहाँ पर अमन आएगा, कोई कश्मीरी नहीं मरेगा, किसी पे पत्थर नहीं पड़ेंगे। मोदी साहब की हम इस बात से एग्री नहीं करते कि वो यहाँ पर अमन आएगा, यहाँ पे कोई भी कश्मीरी को नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा। कश्मीर कल भी पाकिस्तान का हिस्सा था, आज भी हम पाकिस्तान का हिस्सा समझते हैं। अगर आपका इतना विश्वास है चौकीदार पर, तो पक्का लिख के रखिए। जय हिंद दोस्तों, मेरा भारत महान न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि आज से जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शन शुरू हो गए हैं और वहां पर भारी तादाद में वोटिंग की गई है, जिसको देखने के बाद पाकिस्तानियों को समझ आ गया है कि अगर कश्मीरी इलेक्शंस में जाकर वोट डाल रहे हैं तो वो भारत के साथ ही रहना चाहते हैं, वो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट चाहते हैं, यहाँ की पाकिस्तान के साथ जोड़ना चाहते हैं। लेकिन अभी भी पाकिस्तानियों को ये शक है कि कश्मीरी पाकिस्तान के साथ जुड़ना चाहता है, लेकिन अभी इलेक्शंस की रिपोर्ट आने के बाद उनका ये भ्रम भी दूर हो जाएगा। और अब इसी बौखलाहट में पाकिस्तानी खुद ये कबूल कर रहे हैं कि वो यहाँ से जिहाद के नाम पर कश्मीर में आतंकवाद फैलाते हैं ताकि जम्मू कश्मीर स्टेबल ना हो सके। आपको क्या लगता है? अपनी राय आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो चलिए दोस्तों, इसी टॉपिक पर देखते हैं ये वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के बटन को जरूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जय हिंद, जय भारत। वो गाली देने में जुटे हैं। आप मुझे बताइए, आपका ये चौकीदार जो कर रहा है वो सही है या नहीं? सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? जम्मू कश्मीर के हित में जो फैसले लिए जा रहे हैं वो आपको सही लगते हैं कि नहीं लगते हैं? मैं ठीक दिशा में जा रहा हूं? अगर जम्मू के लोगों को चौकीदार पर विश्वास है ना? पक्का है? हर गांव में है, हर गली में है, हर घर में है। अगर आपका इतना विश्वास है चौकीदार पर, तो पक्का लिख के रखिए, ये महामिलावटी लोगों की महागिरावट तय है। साथियों, LOC और सीमा से सटे अनेक गांवों को पाकिस्तान की नापाक हरकतों के चलते दिक्कत हो रही है, इसका मुझे पूरा एहसास है। अपनी बौखलाहट, इस बौखलाहट में वो हमारे गांवों को,
रिहायशी बस्तियों को हमारे पशुओं को निशान बना रहे हैं। लेकिन आप आश्वस्त रहिए, ये लंबे समय तक नहीं चलेगा। जिस सामर्थ्य के साथ, जितनी शक्ति से हमारी सेना जवाब दे रही है, उसके सामने ज्यादा दिन वो टिक नहीं पाएंगे। आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है, टिक पाएंगे? एक तरफ हमारी सेना सही जवाब दे रही है, तो दूसरी तरफ सरकार आपकी सुरक्षा और सुविधा का भी इंतजाम कर रही है। सर, इलेक्शंस चल रहे हैं, कश्मीर में क्या देख रहे हैं आप? और दूसरी तरफ कांग्रेस ने जो कहा है कि अगर वो आ गई है, जो पाकिस्तान की टीम पे जो बताया जा रहा था, वो कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट आ गई तो 370 वापस ले आएंगे, क्या चल क्या रहा है? नहीं, वो कांग्रेस वाले झूठ बक रहे हैं। उन्होंने कल अपना मैनिफेस्टो जारी किया है। क्या है उसमें? जी, क्या है उनके मैनिफेस्टो में? इलेक्शन मैनिफेस्टो उन्होंने जारी किया है, उसमें उन्होंने 370 का कहीं जिक्र नहीं है, क्योंकि 370 जम्मू कश्मीर असेंबली बहाल नहीं कर सकती। वो लोकसभा या पार्लियामेंट से बहाल होगा, तो वो अगर कहते हैं वो आके पावर में बदलेंगे, तो फिर दे शुड वेट फॉर द लोकसभा इलेक्शंस, नेक्स्ट लोकसभा इलेक्शंस। उन्होंने एक बहुत बड़ी जो बोंगी मारी है वो ये है कि उन्होंने कहा हम 30 दिन में 1,00,000 सरकारी नौकरियां जो है आसामियां भर देंगे। तो मैंने हिसाब लगाया 3,333 आसामियां बनता है डेली के हिसाब से, अगर 7 दिन काम किया जाए तो ये कैसे करेंगे डेली? इनके पास कोई बटन है जो दबाएंगे तो सबको ईमेल चली जाएगी कि इस महकमे में आपको तैनात कर दिया गया। तो कांग्रेस ने हमेशा जम्मू कश्मीर को नुकसान पहुंचाया है। कश्मीर में आज पहले फेज की वोटिंग है और मैं पाम्पोर विधानसभा क्षेत्र में खड़ी हूं। और ये देखिए जो मेरे पीछे आपको ये लोग दिख रहे हैं, आवाम दिख रही है, इन्होंने पहली बार अपना वोट डाला है। हमने 30 साल के बाद मैंने पहले वोट डाला। अच्छा। यहाँ से पिछले 3 साल से कैंडिडेट वो तो नाकाबिल महज है। थोड़ा पीछे, हाँ। पहला, इसलिए पहली बार इस पम्पोर कॉन्स्टिट्यूशन में एक कैंडिडेट ऐसा आया जो इस पम्पोर का तकदीर ही बदल जाएगा। अच्छा। इसीलिए उसी कैंडिडेट को हमने वोट डाल दिया। यही कश्मीर के चुनाव की असली हकीकत है कि लोग घरों में बैठते थे, लोग चुनाव के लिए बाहर नहीं आते थे। आज शायद यही बदलते कश्मीर की तस्वीर है कि लोग आज इतने, देखिए कितनी संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं और लोग वोट डाल के आ रहे हैं।